एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में जो ऊर्जा का जो दूसरा रूप है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझना है इसको। इसका क्या रूप होता है, इसके क्या फॉर्मूला होता है, ये किसी वस्तु में कब काम करेगा, किसी वस्तु में ऊर्जा कब मतलब कह सकते हैं संचित होता है, वैसे ऊर्जा संचित ही रहता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कि किसी वस्तु के स्थिति में, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, है ना, पोजीशन में बदलाव के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा निहित होती है, संचित होती है, अब कह सकते हैं उत्पन्न नहीं होती बल्कि वो निहित होती है, वही कहलाएगा क्या आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थिति में बदलाव के कारण मतलब पोजीशन जैसे ही चेंज होगा उसका, तो बदलाव के कारण जो उसके अंदर एनर्जी होता है, संचित होता है ऊर्जा, वही कहलाएगा आपका क्या स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो अब क्या है, स्थिति में बदलाव के कारण, है ना, स्थिति में बदलाव के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होगी, ठीक है, पोजीशन के चेंज के कारण, चेंज इन पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक वर्ड से छिपा हुआ जिसका नाम है पोटेंशियल, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास ऊर्जा है, तो पोटेंशियल का सेंस ऊर्जा से हुआ, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी हो, तो यहाँ लिखा हुआ है स्थिति में बदलाव के कारण जो ऊर्जा निहित होती किसी ऑब्जेक्ट में, वो कहलाएगा क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। किसी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी के एच ऊंचाई से कहीं रख दिया जाए, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पृथ्वी की सतह हो गया, ठीक है, अर्थ सरफेस है, एच ऊंचाई तक जाके ले जाया जाए, तो इस वस्तु के पास एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, अगर इस ऊंचाई पर ले जाएंगे तो अगर उसको मैं छोड़ता हूँ तो वापस उसी पोजिशन पर आ जाएगा, मतलब अपने पोजीशन में बदलाव के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर में संचित हुई है वही होगा क्या स्थितिज ऊर्जा। इसके पास एनर्जी है तभी तो वो ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, अगर मैं छोड़ दूंगा कैसे समझेंगे कि इसके पास एनर्जी है, वापस स्थितिज ऊर्जा है, अगर उसको वापस छोड़ देंगे तो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से मैंने उठाया था, ठीक है। देखो मार्कर यहाँ रखा हो तो मार्कर का पोजीशन ये है, अगर मैं यहाँ ला के रख दूँ, छोड़ दूँ, इसका मतलब इसके पास एनर्जी आ गया, ऊर्जा आ गया, कौन सा ऊर्जा आ गया, स्थितिज ऊर्जा आ गया, पोजीशन में बदलाव के कारण, पोजीशन में बदलाव के कारण, देखो इसका पोजीशन अभी ये है, यहाँ ला के रखा तो स्थितिज ऊर्जा। आपने रबर बैंड को देखा होगा या स्प्रिंग को देखा होगा, तो स्प्रिंग में क्या होता है, ठीक है, स्प्रिंग का एक्चुअल में पोजीशन ये, ठीक है, अपना पोजीशन, जैसे स्प्रिंग को जैसे हम दबाते हैं या कंप्रेस करते हैं, अगर मैं कंप्रेस करूँ तो ये हो जाएगा, तो स्प्रिंग में मतलब जिसका उसमें पोजीशन था वो ये था, जैसे उसको मैंने मतलब कंप्रेस किया, अगर मैं उसको छोड़ दूँ उसी पोजीशन पर दोबारा आ जाएगा, अपने पोजीशन पर दोबारा आ जाएगा, तो जैसे हमने इसको खींचा था उसमें जो काम करने की क्षमता आ गई, ऑब्वियसली क्या होता है, काम करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, तो जैसे हमने इसको खींचा तो उसके अंदर काम करने की क्षमता आ गई, तो वही काम करने की क्षमता जो होगा उसी की स्प्रिंग के अंदर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। आई बात समझ में, चलो यही होता है स्थिर ऊर्जा, पोजिशन के चेंज के कारण। अगर रबड़ बैंड के जो आकार होता है वो होता है, जैसे अगर मैं उसको खींचता हूँ तो ऑब्वियसली काम करने की क्षमता आ गई, तो उस ऑब्जेक्ट में काम करने की क्षमता जो आ गई, इसका अर्थ हो गया कि अगर वो उसको छोड़ दिया जाए, मतलब स्पेरिंग को क्या कह सकते, तो उसको रबर बैंड को वापस छोड़ दिया जाए तो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ये होता है क्या उस वस्तु के अंदर में स्थित ऊर्जा सिंचित हो गई है, राइट। बांध में क्या होता है कि पानी को अगर हम बांध से बांध कर स्टोर कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि पानी का जो हर एक भाग होता है वो दीवारों पर दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, तो ऑब्वियसली अगर मान लो कि बांध ना होता तो पानी बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता, बाहर चला जाता, तो उसके पास काम करने की क्षमता है पानी को, बांध के पास काम करने की क्षमता है कि बांध ने पानी को रोक रखा है, तो बांध के अंदर जो पानी रखा हुआ है उसके पास भी कौन सा ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। धनुष की बात करो, जो मतलब तीर, जो तीर कमान होता है, तीरंदाज होता है, धनुष जो होता है, ठीक है, क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कभी, ठीक है, इस तरह से होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप का रस्सी लगे होते हैं, ठीक है, अब यहाँ से धनुष को क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, ठीक है, तो इसको खींचने में जो काम करना पड़ा पीछे की ओर, खींचने में जितना काम करना पड़ा वो ऊर्जा हो गया, ठीक है, वो ऊर्जा हो गया, कौन सा ऊर्जा होगा, वो हो गया स्थितिज ऊर्जा।
अब यही ऊर्जा की वजह से इस तीर को आगे जाएगा, मतलब गति में आ जाएगा, उसके पास गतिज ऊर्जा हो गया। तो हुआ ना गतिज मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है, ऊर्जा का रूप बदल गया। हमने इसको पीछे की ओर खींचा, किसको, एक एरो को, तीर को अगर रस्सी के सहारे पीछे की ओर खींचा, इसका मतलब है कि हमने काम किया पीछे की ओर, तो गति मतलब स्थितिज ऊर्जा हो गया। और वो स्थितिज ऊर्जा की वजह से वो तीर जो है एरो वो आगे की ओर चला जाएगा, उसके पास गति आएगा, तो वो हो जाएगा उसका गतिज ऊर्जा। तो यहां ऊर्जा का एक रूप से दूसरा रूप ऊर्जा चेंज हो गया, बदल गया है, ठीक है। तो आपने बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा जो स्थिति ऊर्जा है इसके अंदर में क्या क्या होगा। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं चीजें, उसके स्थिति ऊर्जा का एग्जांपल कौन कौन होगा, उदाहरण देखो, धनुष का पीछे की ओर खींचना, इसके पास भी ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा, है ना। जितना हम पीछे करें खींचेंगे उतना काम करना। एग्जाम्पल है धनुष का पीछे की ओर खींचना, या मतलब तना हुआ धनुष में के पास कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, सेकंड पॉइंट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि छत पर, जो जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान रखना है, लटका हुआ पंखा, इसके पास भी अगर छत के ऊपर सेलिंग फैन जो होता है उसके पास भी स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर उसको छोड़ दिया जाए पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। पोजीशन जो इसका एक्चुअल में वो नीचे है लेकिन उसको लटका रखा है, उसके पास ऊर्जा है तभी तो वो लटका हुआ है, अगर छोड़ दिया जाए तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, दबा हुआ गद्दा, ठीक है, गद्दे पे अगर हम बैठते हैं, देखो गद्दे का जो पोजीशन है वो ये है, जैसे हम बैठेंगे ऑब्वियसली वो प्रेस हो जाएगा, नीचे दब जाएगा, ठीक है। देखो इसका भी अभी मैंने एग्जांपल समझाया था, ये भी नीचे की ओर चला गया, इसका भी क्या है स्थिति ऊर्जा नीचे की ओर हो गया। तो गद्दा का जो आकार में बदलाव हुआ है, अगर वही गद्दे को अगर छोड़ दिया जाए तो अपने वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसके अंदर जो ऊर्जा आया, काम करने की क्षमता आई है, जब दबने के टाइम में जो क्षमता आई वही होगा क्या, उसका ऊर्जा होगा, कौन सा ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो दबा हुआ गद्दा ये भी स्थिति ऊर्जा उसके पास है, ठीक है। बांध में स्टोर पानी, बांध के अंदर में जो पानी है, बांध में जमा हुआ पानी, ठीक है, ये भी स्थिति ऊर्जा हो गया। देखो बांध के अंदर में पानी जमा हुआ है, इसका मतलब है कि उसके पास स्थिति ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा, देखो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो बांध के अंदर में अगर पानी स्टोर किया हुआ है तो ऑब्वियसली इसके पास स्थिति ऊर्जा होगा, इस बांध के पास वो पानी ऊर्जा लगा रहा है। अगर हम उस ऊर्जा को हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, क्योंकि बांध के पानी के पास इतने सारे पोटेंशियल एनर्जी होता है कि अगर वो बांध टूट जाए तो पानी बहुत तेज प्रवाह में गिरेगा। तो वो जो गिरेगा तो वो कहाँ गिरेगा, ऑब्वियसली मतलब एक जनरेटर होता है, तो जनरेटर जो बनता है वो टर्बाइन से घूमते हैं, टर्बाइन को जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो पानी जो गिरेगा, फोर्स लगा रहा है उस पर गिरेगा, टर्बाइन पर गिरेगा, तो उसका जो स्थिति ऊर्जा है वो बदल गया दूसरी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, बिजली पैदा करेगा। तो ऊर्जा का रूप एक रूप से दूसरे रूप में इसी तरह से ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो फिर और भी एग्जांपल है, किसी पेड़ में लगे फल, किसी पेड़ में लगे फल, ये भी एक स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि अगर वही फल टूटेगा दोबारा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फल बल्कि पत्ता हर एक चीज़ जो पृथ्वी, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ऊंचाई एस है, एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे मतलब कह सकते हैं प्रकार के रूप में जो स्थितिज ऊर्जा का जो प्रकार है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी की ऊंचाई एच तक होगा उसके पास स्थितिज ऊर्जा होगा, क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का होता है बल्कि हर एक ब्रह्मांड की वस्तु का होता है वो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट, तो किसी पेड़ में लगे हुए फल, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। किसी वस्तु को पृथ्वी की ऊंचाई एच तक ले जाओ, पृथ्वी की ऊंचाई एच तक ले जाने में जो ऊर्जा उस पर मतलब उसके अंदर संचित होगी वो होगा आपका क्या, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हाथ में पकड़ी हुई वस्तु, अब कोई वस्तु को अगर हाथ में पकड़ते लाइक पत्थर मारकर एनीथिंग एल्स अगर हाथ में पकड़ते तो उसके ऑब्वियसली पृथ्वी की ऊंचाई एच इसी के अंदर में आ गया, ठीक है।
देखो पहले के टाइम में क्या था कि घड़ी वाला जो था ना, लॉक चाबी वाला घड़ी था पहले के टाइम में। मतलब ये कह सकते हैं उसके पास एनर्जी दे देते, पोटेंशियल एनर्जी दे देते, काफ़ी चाबी को खूब घुमाते थे, खूब घुमाते थे। उसके बाद जितना ऊर्जा उसके अंदर संचित होता है, उसी ऊर्जा की वजह से घड़ी मतलब कह सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक चलता था। लेकिन आजकल जो बैटरी आ गया, आजकल जो घड़ी आया वो बैटरी वाला आ गया सारे का सारा, ठीक है। तो पहले के टाइम में स्थिर ऊर्जा पर चलने वाला ही था, अब तो विद्युत ऊर्जा पर चलने वाला घड़ी आ गया। चाहे वो आप 50 वाला खरीदो या 100 वाला खरीदो, जितना भी महंगा खरीदो, लेकिन अब सेल वाला आ गया। तो पहले के टाइम में स्थितिज ऊर्जा पे चलने वाला था, लेकिन अब क्या है, विद्युत ऊर्जा पर, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला और उसकी वजह से घड़ी चला। तो अब ये होता है कि पहले के टाइम में जो था वो जैसे घड़ी है ना, घड़ी या घड़ी कह सकते हैं, या हम खिलौने, खिलौने में लगे चाबी, ठीक है, घड़ी या खिलौने में लगे जो चाबी होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, चाबी की वजह से जितना दिन, अभी भी खिलौना ऐसा आता है कि जैसे जैसे जितना चाबी लगाओगे उतने वजह से वो घूमेगा। अब चाबी लगा दो, घुमा दो, उसके पास एनर्जी हो, अब वो उस पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जमा हो गया, अब उसकी वजह से क्या होगा कि वो खिलौना आगे की ओर जाएगा। अभी खिलौना जो आया, गाड़ी वाला खिलौना जो आया बच्चे का, वो गाड़ी आगे की ओर जाएगा, क्योंकि जिसके जितना पोटेंशियल एनर्जी था उसकी वजह से वो शिफ्ट आगे की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो आज ऐसा चला हुआ है। वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है, कहने बस सिंपल अर्थ समझना आप कि किसी वस्तु के स्थिति में पोजीशन के बदलाव के कारण जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, उसका जो आकृति चेंज होगा उसके बदलाव के कारण। आकृति बदलाव के कारण क्या हुआ, अब ये नहीं कि ठोस से द्रव में बदल गया। कोई वस्तु अगर स्प्रिंग हुआ तो स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो वापस उसी पोजीशन पर आता है, तो उसी पोजीशन पर जो आएगा जितना एनर्जी की वजह से, जितना ऊर्जा की वजह से, वो होगा आपका स्थिर ऊर्जा। अब मैं चीज़ों को, अब स्थिर ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप ये देखोगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसका क्या रूप होता है, पहला, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह एच ऊंचाई से हम ऊपर की ओर उठाते हैं या ले जाते हैं, तो इसके ले जाने में जो किया गया कार्य संचित ऊर्जा, जो कार्य होगा वो कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी के एच ऊंचाई तक ले जाने में जो संचित उसके अंदर में कार्य होगा वो स्थिर ऊर्जा के रूप में वो क्या होगा, जमा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, है ना, एच ऊंचाई तक ले जाएगा उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो सबको जब हम पृथ्वी से ऊपर ले जा रहे हैं इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर जो होगा, ग्रेविटी जो होगा वो नीचे की ओर होगा, पृथ्वी का अपना गुरुत्वीय बल नीचे की ओर खींचेगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है, एम जी। देखो ऐसा होता है कि फोर्स बराबर होता है, हम जानते हैं कि एम इंटू ए। अब किसी वस्तु को दिया किया गया कार्य, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाने में किया गया कार्य वर्क डन, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ जो उस वस्तु का जो बल होगा, उस वस्तु पर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचना चाहेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट को छोड़ते तो नीचे आता है, ठीक है, वो होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ जी होगा क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, एम इंटू जी, हर एक वस्तु के लिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। अब विस्थापन क्यों, तो जितना नीचे से ऊपर ले गया है, जितना ऊंचाई तय किया है वही होगा विस्थापन, शॉर्ट रेजिस्टेंस एच। अब किया गया कार्य जो होगा उस वस्तु के अंदर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो W को हम लिख सकते हैं पी ई पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम इंटू जी, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा का एक रूप होता है, तो आ गया फार्मूला। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की बात है, क्या किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की ऊंचाई से एच जितना ऊंचाई तक ले जाएंगे, क्या उसके अंदर में जो संचित ऊर्जा होगा उत्पन्न नहीं होता है, संचित ऊर्जा जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, या मतलब क्या कोई परिवर्तन आएगा? तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके कि पोटेंशियल एनर्जी एच से समानुपाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो ऊंचाई बढ़ने से, है ना, यहाँ पर पॉइंट नोट करने का, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो समानुपाती है एच से, है ना, तो ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से वस्तु में संचित ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, संचित स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
घटेगी नहीं बल्कि वो बढ़ जाएगी, चेंज होगा, बढ़ जाएगी टोटल, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने घटने से स्थिर ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सपोज ये हो गया पृथ्वी की सतह, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अब इसको ले गया यहाँ तक, ले गया यहाँ से यहाँ ले गया, तो अभी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, ठीक है, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान तो वही होगा, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है अभी भी द्रव्यमान वही रहेगा, ऊंचाई यहाँ एच है, यह टोटल ऊंचाई एच, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई है, अब उसी ऑब्जेक्ट को और ऊंचाई तक ले गया गया एच टू तक, तो कितना चेंजेज आया है ना, ऊर्जा में कितना बदलाव आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ऊर्जा होगी कुछ ना कुछ, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर और ऊंचाई तक ले जाने में कितना एनर्जी में बदलाव आएगा वो देखेंगे। क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे लाया है सपोज वन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी वन जो होगा आपका वो होगा एम जी एच वन, गुरुत्वीय त्वरण वही है वस्तु का, गुरुत्वीय त्वरण उतना ही होगा, छवि चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला होगा एम जी एच टू, ऑब्जेक्ट वस्तु वही है, गुरुत्वीय त्वरण हर एक वस्तु का पृथ्वी के लिए वही होता है जी होता है, केवल ऊंचाई चेंज हो रहा है एक एच वन, फिर नीचे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एच टू, ठीक है। अब चेंजेज कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव क्या आएगा, तो पी ई टू माइनस पी ई वन, कितना हो गया पी ई टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है एम जी एच टू, इनिशियल क्या हो गया एम जी एच वन, यहाँ एम जी हम कॉमन लेंगे तो एच टू माइनस एच वन, है ना। और याद रखने के फिजिक्स के अंदर में, हमारे साइंस के अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेज आया है, हम आप याद रखिएगा कि फिजिक्स के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, स्थिति ऊर्जा में बदलाव क्या होगा वो देख रहे हैं। तो डेल यू करके हम लोग डिनोट करते हैं, डेल यू बराबर एम जी इन टू एच टू माइनस है। ये था आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक है, ये था आपका क्या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। एक द्रव्यमान के यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, एक किलो द्रव्यमान कि किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य कह सकते हैं, और वो कार्य का रूप क्या होगा। अक्षर में कार्य वही हो गया, ऊंचाई मतलब 9.8 मीटर तक उठा दिया गया, तो किया गया कार्य क्या, ऑब्वियसली किया गया कार्य जो होगा वो उसका स्थिति ऊर्जा हो गया, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया का मान निकाले, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान तो उस ऑब्जेक्ट में है एक किलोग्राम, कितनी ऊंचाई तक ले गए हम 9.8 मीटर की ऊंचाई तक, उसके अंदर जो काम किया जाएगा ऑब्वियसली W बराबर एम जी एच, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा। तो M हो गया आपका एक किलोग्राम, G हो गया 9.8, हर एक वस्तु का ऊंचाई कितना ऊंचाई ले गया 9.8, अब आपस में गुना कर दो आपका आ गया इतना आंसर जूल, ठीक है। अब दूसरा ऊर्जा का रूप होता है जिसका नाम है प्रत्यवस्थ ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा का दूसरा रूप हो गया प्रत्यवस्थ स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्म हो गया। इसमें क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मतलब कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो वापस उसी पोजीशन पे, जैसे गद्दे का दब जाना हो गया, स्प्रिंग का खींचा जाना, उसी पोजीशन पे अगर हम छोड़ते तो आ जाता है, रबर बैंड का खींचना, रबर बैंड को खींच अगर छोड़ दिया तो उसी पोजीशन पे आ जाएगा अपने जरा, ठीक है। तो इस टाइप की जो ऊर्जा होती है वो प्रत्यवस्थ आ जाएगा, ठीक है। अब उसका क्या फॉर्मूला होगा तो याद रखिएगा, शॉर्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की मतलब लंबाई एक्स है, ठीक है, अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं मतलब फैलाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई होगी, ऑब्वियसली लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया होगा एक्स डैश मान लो, ठीक है। तो सवाल ये है कि जो स्थित ऊर्जा उसके अंदर में आया वो कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्या होगा उस टाइम में, हाफ
के एक्स स्क्वायर, सवाल ये है कि के एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो आपका हो गया एक्सप्रिंग की लंबाई, के हो गया, के हो गया आपका स्प्रिंग नियतांक, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल जो मतलब चीज़ें थी, प्रत्यावस्थ स्थिर ऊर्जा हो गया या गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हो गया, वो सारे स्थिर ऊर्जा का रूप होता है। आपने चीज़ों को समझ में आ गया, किसी वस्तु के ऑब्जेक्ट में बदलाव के कारण, पोजीशन में बदलाव के कारण जो ऊर्जा होगा वो स्थिर ऊर्जा होगा, दो तरह का, या तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर ले जा रहे हैं तो वापस छोड़ेंगे तो वापस उसी पोजीशन में नीचे आ जाएगा, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा mgh, या स्प्रिंग में बदला खींचते हैं दबाते हैं तो वापस उसी पोजीशन पे आता है, तो वो होता है प्रत्यावस्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ओवरऑल इससे पहले वाले क्लास में हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, स्थित ऊर्जा के बारे में हम लोग समझ लिए, अब अगले क्लास में ऊर्जा का जो अलग अलग रूप होता है उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूँ, थैंक यू सो मच।